नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ दुष्या। सबसे पहले खबर, जहां दंतेवाड़ा में 2 लाख के इनामी नक्सली कैशा कोहराम को गिरफ्तार कर लिया गया। नीलावाया और गोरेपारा के जंगलों से पुलिस ने घेराबंदी करके कैशा को गिरफ्तार किया है। पुलिस नक्सली को दरभा डिवीजन एक्शन टीम का सदस्य बता रही है। खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीलावाया और गोरेपारा के जंगलों से गिरफ्तारियां हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज सिंह फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। पंकज, कैसे हुई गिरफ्तारी, कैसे ये सफलता मिली? बिल्कुल, पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबर है, क्योंकि गिरफ्तार कैसा कोहरामी दरभा डिवीजन कमेटी के एक्शन टीम का मेंबर बताया जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस ने प्रेस जारी की है, जो प्रेस नोट जारी किया है, जैसे 9 आरोप उसमें लगे हैं, उसमें से 2019 में ही 6 बड़ी वारदातों में शामिल पुलिस इसे बता रही है, साथ ही 2018 में 3 बड़ी घटनाओं में शामिल था। इसकी गिरफ्तारी दरअसल पोटाली दंतेवाड़ा का भेदी सिमेदर सिंह इलाका पड़ता है, वहां पर एक नवीन कैंप बैठाला गया है। जवानों का दस्ता मुखबिर की सूचना में गया था और नीलावाया पास के जंगलों में से गोरापारा के पास में से इसे घेराबंदी करके गिरफ्तार किया है। इस पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी लगा के रखा है और पुलिस दंतेवाड़ा की जो पुलिस है इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी मान करके चल रही है। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीलवाया गोरेपारा के जंगलों में एक नक्सली गिरफ्तार हुआ है, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है।